हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का ASP.NET प्रोग्रामिंग की वीडियो लेक्चर सीरीज में। गाइज, इस वीडियो में हम लोग सेकेंड डेटा कंट्रोल देखने वाले, दैट इज डिटेल्स व्यू। डिटेल्स व्यू ये जो कंट्रोल है, ये डेटा को इन डिटेल डिस्प्ले करने के लिए हम यूज करते हैं। इन डिटेल इन द सेंस कि आपको एक ही रिकॉर्ड एट ए टाइम दिखेगा और उस रिकॉर्ड को आप इन डिटेल दिखा सकते हो। चलिए इसका प्रैक्टिकल एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। यहाँ पर मैं एक सिंपल एग्जाम्पल इसका डिजाइन कर लेता हूँ। सो आई टेक वन SQL डेटा सोर्स, देन आई टेक वन ग्रिड व्यू, और दोबारा से हम और एक SQL डेटा सोर्स यहाँ पर ले लेते हैं, एंड देन आई टेक वन डिटेल व्यू। ग्रिड व्यू के बारे में हमने पिछले वीडियो लेक्चर में देखा है कि ग्रिड व्यू किस तरीके से डेटा डिस्प्ले करता है, SQL डेटा सोर्स को किस तरीके से कॉन्फिगर करना है, ये भी हम लोगों ने देखा है। तो मैं इस ग्रिड व्यू के लिए इस SQL डेटा सोर्स को यहाँ पर कॉन्फिगर कर लेता हूँ, एंड वी विल सिलेक्ट दिस। अब ग्रिड व्यू के अंदर हम ये दो ही कॉलम दिखाएंगे, ID और नेम, और डिटेल व्यू के अंदर हम यहाँ से जो भी ID का रिकॉर्ड हम सिलेक्ट करेंगे उसका रिकॉर्ड इन डिटेल दिखाएंगे, जो कि डिटेल व्यू का एक्चुअल काम है, किसी भी रिकॉर्ड को इन डिटेल डिस्प्ले करना। सो दैट वी विल सी। So with this two field I will go next, test query and then finish। ग्रिड व्यू को सिलेक्ट करके हम इस SQL डेटा सोर्स को असाइन कर देंगे और यहाँ पर ऑटो फॉर्मेट आपको मिलेगा, सो यू कैन सिलेक्ट एनी फॉर्मेट। सो आई विल टेक, ओके आई टेक दिस फॉर्मेट, और यहाँ पर मैं इनेबल सिलेक्शन इसका ऑन कर देता हूँ। तो इनिशियली जब आप ये पेज रन करोगे ग्रिड व्यू के अंदर, आपको आपके टेबल के अंदर के सारे रिकॉर्ड मिलेंगे, बट दो ही कॉलम का रिकॉर्ड हम यहाँ पर दिखा रहे हैं, ID एंड नेम। सो लेट अस रन दिस पेज एंड सी द आउटपुट कि किस तरीके से ये डिस्प्ले होगा। So you can see here, this is the output of grid view। अब हम लोग यहाँ से जो भी रिकॉर्ड सिलेक्ट करेंगे वो हमको डिटेल व्यू के अंदर डिस्प्ले करना है। तो डिटेल व्यू को देखो किस तरीके से यूज करना है। डिटेल व्यू के लिए मैं इस SQL डेटा सोर्स 2 को यहाँ से कॉन्फिगर कर देता हूँ, और यहाँ से कनेक्शन स्ट्रिंग, डेमो कनेक्शन स्ट्रिंग, नेक्स्ट, और सारे रिकॉर्ड हमको चाहिए, और सिलेक्टेड ID के सारे रिकॉर्ड हमको चाहिए। तो यहाँ से हम कॉन्फिगर करेंगे इसको विथ वेयर क्लॉज, और यहाँ पर मैं वेयर क्लॉज अप्लाई करता हूँ ID के ऊपर, ऑपरेटर इक्वल्स टू, सोर्स है हमारा कंट्रोल, और वैल्यू आने वाली है ग्रिड व्यू से, और वैल्यू रहेगी ग्रिड व्यू 1.सिलेक्टेड वैल्यू। तो इसको हम ऐड कर देते हैं, ओके, नेक्स्ट, क्वेरी को टेस्ट करके देखते हैं, एंटर वैल्यू 1, सो दिस इज द रिकॉर्ड, फिनिश, देन सिलेक्ट योर डिटेल व्यू, इसके स्मार्ट टैब पर क्लिक करना है, और यहाँ से हम लोगों ने SQL डेटा सोर्स 2 इसको असाइन करना है, और इसको भी आप ऑटो फॉर्मेट कर सकते हो, इनबिल्ट फॉर्मेट से यहाँ पर अवेलेबल है ग्रिड व्यू की तरह ही, तो इसमें से जो भी फॉर्मेट चाहे आप अप्लाई कर सकते हो। सो ये हो गया हमारा डिटेल व्यू। Now again run this page and see the output. So it is very easy. Graphically you can do everything. So you can see here, जैसे ही मैंने यहाँ पर record number 1 को select किया, detail view के अंदर वो record ID 1 का complete record हमको दिखाई दे रहा है यहाँ पर। So like this you can display all the record. और यहाँ पर भी देखो photo की जगह images का path दिखा रहा है। इस इशू को हमने रिजॉल्व किया था ग्रिड व्यू के अंदर भी विद द हेल्प ऑफ टेम्पलेट फील्ड। तो सेम टेम्पलेट फील्ड आप डिटेल व्यू के अंदर भी ऐड कर सकते हो। यू हैव टू क्लिक ऑन दिस स्मार्ट टैग, यू हैव टू गो इन टू एडिट फील्ड्स, यहाँ से आप लोगों ने टेम्पलेट फील्ड ऐड करनी है। टेम्पलेट फील्ड एक कस्टम फील्ड होती है जिसके अंदर आप किसी भी कंट्रोल को ऐड कर सकते हो। सो दिस इज द लास्ट, और इसका जो हेडर टेक्स्ट है इसको मैं सेट कर देता हूँ फोटो, एंड देन क्लिक ओके। और यहाँ से टेम्पलेट फील्ड को डिजाइन करने के लिए आप लोगों ने एडिट टेम्पलेट्स पर क्लिक करना है। टेम्पलेट फील्ड के अंदर आपको जो भी कंट्रोल चाहिए आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। जैसे हमको इमेज दिखानी है, हम यहाँ से इमेज ऐड करेंगे,
और इमेज के ऊपर भी देखो यहाँ पर आपको स्मार्ट टैग मिलेगा, तो इस पर आपने क्लिक करना है, एडिट डेटा बाइंडिंग, इसकी इमेज यूआरएल प्रॉपर्टी को बाइंड करना है फोटो जो कि आपका इमेज पाथ है उसके साथ। एंड विद दिस यू हैव टू एंड दिस टेम्पलेट एडिटिंग। एंड वन मोर थिंग, जैसे यहाँ पे आपने फोटो लिया तो ये पाथ दिखाने की ज़रूरत नहीं है, तो उस कॉलम को आप, उस फील्ड को डिलीट कर सकते हो। यहाँ से आप लोगों ने उस फील्ड को सिलेक्ट करके डिलीट कर देना है। ये होने के बाद हम इसको दोबारा से रन करके देखेंगे कि फोटो डिस्प्ले हो रहा है या नहीं। ओके, यू कैन सी दिस, फोटो इज डिस्प्लेइंग देयर। ओके, और एक ऑप्शन हमने ग्रिड व्यू के अंदर देखा था कि ग्रिड व्यू के अंदर से आप डेटा को एडिट या फिर डिलीट डायरेक्टली कर सकते हो, उसी तरीके से आप डिटेल व्यू के अंदर भी डायरेक्टली डेटा को इंसर्ट, अपडेट या डिलीट आप कर सकते हो। उसके लिए आपने इस SQL डेटा सोर्स को दोबारा से कॉन्फिगर करना है। कॉन्फिगरेशन में दिस टाइम यू हैव टू क्लिक ऑन दिस एडवांस टैब और यहाँ से इस ऑप्शन को आपने चेक कर लेना है। और ये ऑप्शन, जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, अगर आपके टेबल के ऊपर प्राइमरी की है तो ही ये ऑप्शन इनेबल रहेगा, अदरवाइज ये डिसेबल रहेगा। सो इफ योर टेबल डज नॉट कंसिस्ट प्राइमरी की, यू कैन नॉट हैव इंसर्ट, अपडेट, डिलीट विथ योर डेटा बाइंडिंग कंट्रोल। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर। नाउ फिनिश इट एंड अगेन इसको हम दोबारा से, हम इसको यहाँ पर आप देख सकते हो एडिटिंग, इंसर्टिंग, डिलीटिंग। तो मैं इसको दोबारा से रिकॉन्फिगर कर लेता हूँ, नन से दोबारा से हम इसको सेट करेंगे SQL डेटा सोर्स 2। और ये होने के बाद यहाँ से हम इनेबल इंसर्शन, इनेबल एडिशन, डिलीटिंग और पेजिंग भी हम यहाँ से ऐड कर देते हैं। पेजिंग का ऑप्शन अगर एक से ज़्यादा रिकॉर्ड आप दिखा रहे हो तभी आपको मिलेगा, बट यहाँ पे हमने ऑलरेडी वेयर क्लॉज यूज किया है तो पेजिंग यहाँ पर देर इज नो यूज ऑफ दिस पेजिंग, बिकॉज एट ए टाइम दिस डिटेल व्यू विल शो ओनली वन रिकॉर्ड। बट दिस टाइम यू कैन सी इंसर्शन एंड डिलीशन वी हैव एडेड। ओके, सो दिस यू कैन सी हियर एंड विद दिस यू विल सी सम रिकॉर्ड हियर, एडिट, डिलीट एंड न्यू। एडिट करना है आप यहाँ से एडिट बटन पर क्लिक करके इसको डायरेक्टली एडिट कर सकते हो। और एडिट के लिए देखिए इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पर रेड हो गया है, तो ये भी हम लोग देखेंगे कि इवन यू कैन मॉडिफाई दिस टेम्पलेट कि एडिट के लिए ये कैसा रहना चाहिए। और आप जो चाहे वो एंट्रीज यहाँ से एडिट कर सकते हो। अपडेट पर क्लिक करना है, दिस डेटा विल अपडेट इन टू योर एक्चुअल डेटा बेस। सो अगेन वी हैव टू रीसेट दिस एवरीथिंग, सो यू कैन डू दिस। नाउ गो इनटू न्यू और यहाँ से आप लोगों ने कोई न्यू रिकॉर्ड अपडेट करना है, xxx@gmail.com एंड देन सिटी सम डमी वैल्यू एंड आई विल क्लिक दिस इंसर्ट। ओके, सो इट इज शोइंग एरर, यू कैनॉट इंसर्ट द वैल्यू नल इन कॉलम फोटो। तो हमने एक कॉलम हमारे टेबल के अंदर लिया है, दैट इज फोटो कॉलम। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो कि इस टेबल के अंदर जो हमने फोटो का कॉलम लिया है वो अलाउ नल अनचेक है, मतलब आपको कंपलसरी उसके लिए वैल्यू प्रोवाइड करनी पड़ेगी। तो मैं फिलहाल के लिए इसको अलाउ नल कर देता हूँ और इसको मैं यहाँ से सेव कर देता हूँ। एंड दोबारा से हम इसको रन करेंगे, हमारे पेज को रिफ्रेश कर लेंगे यहाँ से एंड लेट अस सी वेदर वी कैन ऐड द रिकॉर्ड और नॉट एंड लेट अस इंसर्ट इट। यस, द रिकॉर्ड इज इंसर्टेड। इंसर्टेड वैल्यू आप इस टेबल के अंदर यहाँ पर देख सकते हो और उस वैल्यू को अब यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हो डिटेल व्यू के अंदर से। सो एडिट करने के लिए आप दोबारा से इसको रिफ्रेश कीजिएगा तो वही वैल्यू आपको ग्रिड व्यू में भी यहाँ पर दिखेगी। सो लेट्स गो हियर, एग्जीक्यूट। तो दो रिकॉर्ड यहाँ पर इंसर्ट हो गए हैं और इस पेज को मैं दोबारा से यहाँ से रिलोड कर लेता हूँ। सो यू विल सी ऑल 11 रिकॉर्ड इन ग्रिड व्यू कंट्रोल एंड सिमिलरली दैट रिकॉर्ड विल बी अवेलेबल इन डिटेल व्यू आफ्टर सिलेक्शन। तो यहाँ से आप देख सकते हो सिंगल किसी रिकॉर्ड को आपको डिलीट करना है, 11 को आपको डिलीट करना है, यू कैन डिलीट इट फ्रॉम डिटेल व्यू। तो ये रिकॉर्ड जो है ये डेटाबेस से डिलीट हो जाएगा
और जैसे ही आप इसको रिफ्रेश करोगे इस ग्रिड व्यू को, तो यहाँ से भी वो यहाँ पर भी वो दिखेगा नहीं। ओके सो यू कैन सी दिस रिकॉर्ड इज डिलीटेड फ्रॉम हियर। और लाइक ग्रिड व्यू यू कैन ऑल्सो सेट एम्प्टी डेटा टेक्स्ट फॉर डिटेल व्यू। उसके लिए आप लोगों ने इस पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी विंडो में इसके बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे। यू कैन सिंपली रीड इट एंड यू कैन यूज इट। ऑल प्रॉपर्टीज आर सिंपल। तो यहाँ पर आपको प्रॉपर्टी मिलेगी इसकी एम्प्टी डेटा टेक्स्ट। ओके सो नो रिकॉर्ड्स अवेलेबल। ये हमने ग्रिड व्यू के केस में भी देखा था इस प्रॉपर्टी का यूज। अगर कोई रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है तो उस केस में डिटेल व्यू के अंदर क्या दिखना चाहिए, तो ये यहाँ पर दिखाएगा। और एक चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई कि जब हम एडिट पर क्लिक कर रहे हैं तो इसका बैकग्राउंड कलर यहाँ पे रेड आ रहा है। सो दैट इज़ नथिंग बट एडिट आइटम टेम्पलेट। यू कैन गो इन टू सोर्स। आपको कुछ अलग अलग इसके टेम्पलेट मिलेंगे यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हो दिस इज द आइटम टेम्पलेट एंड यू कैन जस्ट सी हियर एडिट रो स्टाइल। एडिट रो स्टाइल। सो इफ यू वॉन्ट टू चेंज इट्स बैकग्राउंड कलर एंड फॉन्ट सेटिंग एंड फोर कलर, वॉट एवर यू वॉन्ट टू चेंज, यहाँ से आप उन सभी प्रॉपर्टीज को सेट कर सकते हो। जैसे मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर बैक कलर जो यहाँ पर दिया गया है, हम कोई और बैक कलर यहाँ से सेट कर देते हैं। एडिट रो स्टाइल में फोर कलर विल बी द वाइट की जगह हम कोई और ले लेते हैं। फॉन्ट बोल्ड टू है, फोर कलर विल टेक ब्लैक एंड देन वी विल रन इट एंड वी विल सी व्हाट विल बी द आउटपुट। गाइज इट इज़ वेरी सिंपल। नॉट अ सिंगल लाइन ऑफ कोड आई हैव रिटन फॉर कंप्लीशिंग दिस टास्क। सो नाउ व्हेन यू क्लिक दिस एडिट बटन यू कैन सी द बैकग्राउंड इज येलो एंड फॉन्ट इज बैक ब्लैक। सो दिस इज वॉट डिटेल व्यू कंट्रोल वी कैन यूज। आई होप यू अंडरस्टूड दिस कंट्रोल वेरी वेल। यू लाइक दिस वीडियो, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो को आखिरी तक देखने के लिए थैंक्स।